देश के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे के सामने विरोध की तलवारें तान कर खड़े हैं। एक तरफ अभी तक दोनों एक दूसरे पर इशारों से वार कर रहे थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है, ये इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा? हेलो, कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? दो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर के बीच ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था कि तभी विवेक बिंद्रा अपने बयान से एक और विवाद में घिर गए हैं। विवेक बिंद्रा इस बार कुछ ऐसा बोल गए कि देश भर में उनकी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर उनके बयानों पर जमकर कमेंट किए जा रहे हैं। दरअसल संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर कलेश शुरू हुआ था, जिसके बाद अब विवेक बिंद्रा ने लल्लन टॉप में दिए इंटरव्यू में आरक्षण पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अपने इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा आरक्षण और शिक्षा के बीच के अंतर को लेकर जवाब देते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने कई सारी कमियां गिनाई। इसे लेकर अब विवेक बिंद्रा विवादों में गए हैं। इंटरव्यू के दौरान विवेक बिंद्रा जाति विभाजन और उनकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करते नजर आए, जिसमें उन्होंने सालों पुरानी जाति व्यवस्था की जमकर वकालत की। बस इसी बात को लेकर लोग भड़क गए, सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाने लगे। विवेक बिंद्रा मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जाति से ऊपर उठकर सिर्फ काबिलियत को मौका देने की वकालत की, लेकिन उनके इस बयान के बाद बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया।